सर, कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है। आखिरी संदेश था ब्लैक फॉरेस्ट में धमाका। पूरा फॉरेस्ट लगभग कवर कर लिया है। यहाँ तो कोई आदमी भी नहीं दिख रहा है, ऐसी जगह पे कोई धमाका करेगा क्यों? मगर अभिजीत, उन मुजरिमों ने जो जो संदेश भेजा है उसे अंजाम तक पहुंचाया है। मुझे लगता है कि ये धमाका भी जरूर करेगा। एक बार ही आई गैंग का कोई आदमी जिंदा हाथ लग जाए फिर इसका नामो निशान मिटा देंगे। सर वो देखिए, वो खंडर जैसी जगह, शायद बॉम्ब वहीं प्लांट किया हो। लगता है यहाँ पर काफी दिनों से कोई आया नहीं है। पंकज, जरा वो बॉम्ब डिटेक्टर लेकर आओ। अगर यहाँ पे बॉम्ब बनाया है तो कोई ना कोई ट्रेसेस तो मिलेगा ही। ये बारूद के तो ट्रेसेस नहीं दिखा रहा है। अरे यार, पूरा जंगल छान मारा, बॉम्ब का कहीं अता पता चल ही नहीं रहा। सर, कहीं वो मैसेज पढ़ने में हमसे गलती तो नहीं हुई? नहीं पंकज, उस मैसेज को हमने सही डिकोड किया है। धमाका तो यहाँ इसी जंगल में होगा। आसपास देख के लगता तो नहीं है कि यहाँ पे कोई धमाका हुआ। एसीपी साहब को यहाँ की लोकेशन भेज दो। सर, सर फोन बंद है। सर, ये मॉनिटर भी बंद है। ओह नो, मेरा फोन भी बंद है। फोन बंद है, बम डिटेक्टर बंद है, ये सब एक साथ बंद हो गए, ये कोई संयोग नहीं हो सकता। गाड़ी के पास चलते हैं। नहीं, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, लाइट भी चल नहीं रही है। कमाल है, एक साथ सारे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट बंद हो गए, ये चक्कर क्या है? सर, ये क्या वजह हो सकती is dead.
कहीं इस आदमी ने उसकी तरह अपनी जान तो नहीं ले ली? नहीं पंकज, इसके पेट पे 2 गोली लगी है और ये छाती में एक। ये खुदकुशी तो नहीं है, मर्डर ही है। तो बेचारा उन लोगों से बच के भाग रहा होगा। 2 गोली मारी पीठ पे और जब गिर गया तो सामने आके 1 गोली सीने पे। आए गैंग का कोई खुलासा करने वाला होगा ये, इसलिए इसकी भी जान ले ली। चीखने की आवाज तो अभी अभी आई थी ना, देखो जरा आसपास, देखते हैं क्या बोलो। ना कोई पर्स है ना कोई आईडी। ये चेहरा कुछ जाना पहचाना लग रहा है। कौन है? रघुवीर, साइंटिस्ट रघुवीर। मशहूर वैज्ञानिक डॉक्टर रघुवीर लापता हैं। आज सुबह वो घर से मॉर्निंग वॉक के लिए निकले लेकिन घर पर वापस नहीं लौटे। 6 महीने पहले किडनैप हुआ था ये आदमी, आज मिला तो इस हालत में। या हाथ में और पैर पर रस्सी का निशान है। सर ये देखिए, ये पेट पे बुलेट्स हैं। यहाँ पर इधर से बुलेट चली है, मतलब रघुवीर जी उधर से भाग के आ रहे होंगे। सर से भाग के आ रहे थे तो वहीं कहीं बांध के रखा होगा उन्हें। चलो देखते हैं उधर। अभिजीत ये देखो, ये दो अलग अलग निशान है, ये जूतों के और ये पैरों के निशान। ये जो नंगे पैर निशान है ये तो शायद रघुवीर जी के होंगे। और जूतों के मुजरिम के होंगे सर? नहीं, मुजरिम का निशान या तो आगे होना चाहिए या थोड़ा पीछे, ये दोनों निशान एक साथ। इसका मतलब रघुवीर जी के साथ कोई और आदमी भी था जिसे आई गैंग ने बंदी बना के रखा हुआ था। रघुवीर जी और ये दूसरा आदमी साथ में यहाँ से भाग निकले होंगे। सर सर पता नहीं दूसरा आदमी कहाँ होगा, बच क्या होगा या फिर आई गैंग वालों ने उसे फिर से पकड़ लिया। चलो उस तरफ चल के देखते हैं, शायद कुछ पता चल जाए। ओह नो, बाहर है कोई। नहीं, माय गॉड, इतना सारा खून है यहाँ पे, गोलियां चली हैं, हुआ क्या है यहाँ पे? देखो चारों तरफ। चुकी है बेचारे, लगता है यहाँ पे कैंपिंग करने आए होंगे। उन्हें क्या पता था कि उनके साथ ये होने वाला है। मगर सर ये आई गैंग इन बेगुनाहों को क्यों मार रहा है? सर लगता है इन लोगों को आई गैंग के बारे में कुछ पता लग गया था जो उन्हें नहीं पता चलना चाहिए था। जिंदा है सर, गोली छू के निकल गई है पर खून बहुत बाहर। पंकज फर्स्ट एड बॉक्स लेके आओ जल्दी। देखो घबरा मत, हम लोग CID से। क्या नाम है आपका? साबिया और मेरे दोस्त। आपके दोस्त अब इस
आपके दोस्तों पे हमला किसने किया, किसने मारा? पता नहीं, हम लोग तो कैंपिंग करने आए थे, अचानक एक अजीब सा आदमी आया। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे मुझे बचा लो। कौन है आप? मुझे बचाओ, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। कैसी कैसी मुसीबत? सब अनर्थ हो जाएगा। क्या क्या अनर्थ हो जाएगा? वो सबूत उन लोगों के हाथ नहीं लगना चाहिए। ये आप किनकी बात कर रहे हैं और कौन सा सबूत? लगता है इनकी दिमाग की हालत ठीक नहीं है। बचाओ मुझे भाई साहब, भाई साहब आप तसल्ली रखो, हमारे कुछ दोस्त जंगल गए लकड़ी काटने, वो बस कुछ देर में आ जाएंगे, फिर वो आपको सही सलामत छोड़ देंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। वो डॉक्टर रघुवीर थे, उनकी भी मौत हो गई। आप लोग सही वक्त पे आ गए, वरना मैं भी नहीं बचती। कान्या, आप जब आदमी यहाँ पे मदद मांगने आए थे तो क्या हुआ था उस वक्त? वो मेरा बॉयफ्रेंड समीर, वो उन्हें मेन रोड तक छोड़ने गया था और वो भी लौट कर नहीं आया, और तभी अचानक कुछ लोग आए। हम पे गोलियां चलाने लगे, पता नहीं समीर जिंदा भी है। जी, वहां जहां हमें डॉक्टर रघुवीर के पैरों के निशान मिले थे, वहां पे जूतों के भी निशान मिले थे, कहीं वो निशान इस समीर के तो नहीं है? हो सकता है, लेकिन डॉक्टर रघुवीर जो सबूत की बात कर रहे थे वो कहाँ है? उनकी लाश के पास है तो कुछ मिला नहीं? ऐसा भी तो हो सकता है कि डॉक्टर रघुवीर ने वो सबूत समीर को दे दिया हो और वो आई गैंग के चंगुल से भाग गया। बच गया तो अच्छा है, वरना गैंग के हाथ लगा तो छोड़ेंगे नहीं। इस समीर को जल्द से जल्द ढूंढना होगा इससे पहले कि उन लोगों के हाथ लग जाए। मगर सर, इस आई गैंग ने रघुवीर जी को पकड़ के रखा क्यों था? ये जो जंगल में ब्लैकआउट हुआ है ना, ये शायद उन लोगों ने जबरदस्ती रघुवीर जी से करवाया है। एक बार हमें ये पता चल जाए कि रघुवीर जी को बंदी बनाकर उन लोगों ने कहाँ पर रखा था तो उन्हें ढूंढना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। होगा तो जंगल में ही ना। तान्या, देखो समीर को बचाने के लिए हमें आपकी मदद की जरूरत है, हैं? हाँ सर। तानिया, पहले ये बताओ कि जब आप लोग यहाँ पर जंगल में आए थे कैंपिंग के लिए, तब आप लोगों ने यहाँ पे कुछ सुना या देखा जो आप लोगों को अजीब लगा हो? नहीं सर। ध्यान से सोच के बताओ, कोई किसी आदमी को देखा हो, कोई जानवर, कोई साउंड, कुछ भी? हेलीकॉप्टर जैसी आवाज थी, मुझे लगा मेरा वहम होगा, क्योंकि इस जंगल में हेलीकॉप्टर कहाँ से आ सकता है? हो सकता है उस गैंग का हेलीकॉप्टर हो यहाँ पे। एक बार ये पता चल जाए कहाँ पे लैंड हुआ है तो फिर उनके ठिकाने तक पहुँचा जा सकता है। अच्छा, आप लोग जब जंगल में आए तो अपने साथ जंगल का मैप तो लाए होंगे? ये देखो, इस जंगल में तो हर तरफ पेड़ ही पेड़ है। यहाँ पे ये जगह खाली है और एक ये दो जगह पे पेड़ कम है, यहाँ पे चांसेस हैं। ठीक है, चल के देखते हैं। पूर्वी पंकज, तने पे ध्यान रखना, हम लोग चेक करते हैं। दया, हाँ, यहाँ देखो आग जलाई गई है। ये बॉनफायर तो वहां पे भी है, ये देखो। यहाँ पे और इधर भी, तो ऐसा लगता है पूरा सर्कल बनाया गया है ताकि रात को जब ये चॉपर यहाँ पे लैंड हो उसे रोशनी मिल सके लैंडिंग के लिए। अगर चॉपर यहाँ पे लैंड हुआ है ना तो इनका ठिकाना भी यहीं कहीं आसपास ही होना चाहिए। डिफेंस एरिया, पर यहाँ आसपास तो ऐसा कोई बेस नहीं है मिलिट्री का। हो सकता है कुछ साल पहले ये डिफेंस एरिया रहा हो, और चूंकि यहाँ पे कोई हलचल नहीं है इसलिए इस गैंग ने इस एरिया को अपना अड्डा बना लिया।
ये देखो, लगता रघुवीर जी को यहीं पे बांध के रखा था और यहाँ पे उनसे कोई जबरदस्ती काम कराया जा रहा था। मेमोरी चिप है, शायद कोई राज छुपा हो इसमें। चलो ये तो एक आर्टिकल है रघुवीर जी के, ये जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उसके बारे में, ये कैसे काम करता है, इसकी वजह से सारे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट ठप हो जाते हैं। ओहो, तो कहीं ये जो ब्लैकआउट हुआ है यहाँ पर, ये इन हथियारों की वजह से तो नहीं है? हो सकता है। ब्लूप्रिंट है बम का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन। ओह, तो डॉक्टर रघुवीर को ये आई गैंग वालों ने इसलिए किडनैप किया ताकि वो उनके लिए ये ईएमपी बॉम्ब बना सके। हमें लग रहा था कि कोई नॉर्मल बॉम्ब होगा, आरडीएक्स बारूद वाला बॉम्ब जो कहीं पे ब्लास्ट होगा, जबकि ये था ईएमपी बॉम्ब जिसका इस्तेमाल ये लोग शायद कर चुके हैं। तभी हमारा जितने भी इलेक्ट्रिक उपकरण थे चल नहीं रहे थे, गाड़ी बंद हो गई थी, मोबाइल फोन कुछ भी नहीं चल रहा था। ऐसे किसी बॉम्ब का इस्तेमाल करना था तो जंगल में क्यों किया, कहीं भी कर सकते थे, हॉस्पिटल, एयरपोर्ट, कॉलेज, शॉपिंग मॉल, ऐसे सुनसान जंगल में क्यों? शायद ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। एक और ब्लूप्रिंट मिला है, हाँ बी, इसमें बी लिखा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन बी, दूसरा ब्लूप्रिंट है बम का। ओह, जंगल में जो ब्लास्ट किया गया था वो सिर्फ टेस्ट करने के लिए किया गया था, ये देखने के लिए कि ब्लैकआउट ठीक से काम कर रहा है या नहीं, असली बम तो कहीं और ही फोड़ेंगे, ऐसी जगह जहाँ पे ज्यादा नुकसान और बर्बादी हो सके। ये डॉक्टर रघुवीर अपने साथ कोई ना कोई इंपॉर्टेंट सामान यहाँ से ले गए होंगे, जैसे बॉम्ब का ट्रिगर या फिर कोई ऐसा हिस्सा जिससे बॉम्ब ब्लास्ट ही ना हो। और अब वो चीज समीर के पास होगी, समीर उन लोगों के हाथ नहीं लगना चाहिए और जल्द से जल्द ढूंढना होगा उसे। हाँ, ठीक हो जाओगे, ओके, कुछ नहीं होगा तुम्हें। पूर्वी, हाँ, तानिया की तबीयत बहुत ज्यादा खराब लग रही है, इसे कुछ हो तो नहीं जाएगा? पंकज, बुखार बहुत तेज है और ये इन्फेक्शन फैलता जा रहा है। मैं जितनी मरहम पट्टी कर सकती थी मैंने की, शिंदे से डॉक्टर पंकज। सर अब इसी से भी नहीं आया बेटा। तुम एक काम करो, तुम तानिया को लेकर यहाँ से निकलो, अभिजीत सर और दया सर को ढूंढो, मैं इन लोगों से निपटता। नहीं 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 नहीं, मैं तुमको अकेले छोड़ के नहीं जाऊंगा, इस आई गैंग का सामना हम साथ में करेंगे। पंकज, बहस मत करो, तुम जाओ यहाँ से। नहीं, मैं तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा, तुम्हें सच्ची में बोला, तुम जाओ। पंकज, ओह नो, अब शायद हम में से ऐसे कोई भी नहीं जा पाएगा। रुक जा, पीछे, ए, रुक जा इधर, ए, पंकज, उर्वी, तानिया, ये कहाँ चले गए? अरे, पंकज,
नहीं, यहाँ तो नहीं। अरे यार कहीं उस गैंग के हाथ तो नहीं लग गए? बोल भाई पंकज, यहाँ तो कोई भी नहीं। अरे ये तो पूर्वी की लिखावट है। अरे लगता है हमारे लिए कुछ संदेश लिखना चाहती थी, इसके पहले यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई। हाँ मगर आरे का मतलब क्या हो सकता है? अरे रेडियो, रेडियो हो सकता है। हाँ क्योंकि उस नंबर स्टेशन पे भी मैसेजेस रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए भेजे जा रहे थे, और अब इस ब्लैकआउट के बाद मोबाइल फोन तो काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ रेडियो बजता है आपस में संपर्क के लिए। और शायद इस EMP बॉम्ब का असर रेडियो फ्रीक्वेंसी पे नहीं होता। गाड़ी में पड़ा हुआ है रेडियो। लाइट से दिख रही है ना? हाँ पूर्वी और पंकज को शायद वहीं लेकर गए होंगे उन लोग, वहीं चल के देखते हैं। इतने घने जंगल के बीच में अच्छा खासा गांव है, पर यहां तो एकदम सन्नाटा है, कोई भी नहीं है। हम आपके हाथ जोड़ते हैं, देखो हमें मत मारो साहब। बारह बाहर निकलो, हम लोग CID से हैं। अच्छा साहब आप लोग आ गए? आप लोगों के आने से पहले कुछ लोग आए और गांव में कोहराम मचा के चले गए साहब। क्यों, क्या किया उन लोगों ने? साहब यहाँ के रहने वालों के घर में, एक एक जना के घर में घुस घुस के उनका सामान उलट पुलट कर दिया, और अब वो किसी लड़के को ढूंढ रहे थे। समीर होगा। अच्छा उन लोगों के आने से पहले कोई लड़का यहाँ आया था पनाह लेने के लिए? नहीं साहब कौनो नहीं आया। एक घर में जाके ढूंढना होगा, कहीं समीर उनके हाथ ना लग गया हो। अभिजीत एक मिनट, घबराइए मत, हम लोग CID से। ये बताओ कि कोई अनजान आदमी यहाँ पर आया पनाह मांगने या मदद मांगने के लिए? नहीं कोई नहीं। ये दरवाजे पे यहाँ खून कैसे लगा है? खून? कौन सा खून? मुझे मालूम था तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है, घर की तलाशी लेनी होगी हमें। मुझे मत मारना, मेरे पास कोई सामान नहीं है। hey, बाहर निकलो। कौन हो तुम? समीर। आप लोग मेरा नाम कैसे जानते हैं? तुम्हारी दोस्त तान्या ने बताया। तान्या? तान्या ठीक तो है ना? हाँ वो ठीक है, लेकिन अफसोस तुम्हारे बाकी के दोस्त वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। क्या? <laughs>
मैं तो उनकी मदद करने गया था, मुझे क्या पता था ये सब कुछ हो जाएगा। उनका नाम डॉक्टर रघुवीर था, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे वो। अच्छा, उन्होंने तुम्हें कोई चीज दी थी रखने के लिए, छुपाने के लिए? नहीं सर, उन्होंने कुछ नहीं दिया। वो तो बार बार बस ये कहते रहे कि उनको यहाँ से किसी तरह बच निकलना है, वरना वो लोग उन्हें फिर से पकड़ लेंगे। अचानक से वो मुजरिम आ गए और धनाधन गोलियां चलाने लगे। सर, मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला और यहाँ आकर छुप गया। अगर समीर के पास नहीं है तो डॉक्टर रघुवीर ने वो सबूत या सामान कहीं छुपा दिया होगा। जिस तरह पूर्वी पंकज और तानिया उन मुजरिमों के हाथ लग गए थे, वैसे ये सामान भी उनके हाथ लगा होगा। मैं एक बार फिर चेक करता हूँ उस रेडियो को। सबूत नहीं मिला होगा इन लोगों को, या फिर समीर। अभी ये तो फैक्ट्री में जाके पता चलेगा, हो सकता है पूरी पंकज भी वहीं हो। यहाँ आसपास कोई फैक्ट्री है क्या? तो कोई भी नहीं। सर, आप लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए था। आप लोगों को यहाँ बुलाने की उसकी साजिश थी। क्या? प्लीज यहाँ से चले जाइए। साजिश? क्या बात कर रहे हो तुम लोग? ओह नो, इतना संभालो संभालो। संभाल क्या बैठी तुम लोग? पीछे हटो, पीछे हटो। अरे तुम लोग पीछे हटो, पीछे पीछे हटो, पीछे संभाल के। आई गैंग, आई गैंग, आई गैंग, कोहराम मचा के रखा इस गैंग ने। आज तक कोई ऐसा मुजरिम नहीं था, कोई ऐसी गैंग नहीं थी जो हमारे हाथ से निकल गई है। मगर ये आई गैंग, ये हमारे हाथ नहीं लग रही है। क्यों क्यों नहीं लग रही? सर, इन्हें अगर जल्दी से जल्दी नहीं रोका गया, ये अपराध का कैंसर पूरी दुनिया में फैला देंगे। हाँ अभिजीत, दूसरा एएमपी ब्लास्ट होने से पहले इन तक पहुंचना ही पड़ेगा, इन्हें पकड़ना ही होगा। मगर सर, ये किसे पता चलेगा कि वो दूसरा बॉम्ब कहाँ पे ब्लास्ट करने वाले? लोग तो निकल गए थे वहां से, शायद उनके हाथ वो खास चीज लग गई जो डॉक्टर रघुवीर के पास थी। अभिजीत, याद है दया को वो चिप मिली थी बंकर में? शायद उस चिप के अंदर ब्लास्ट की डिटेल होंगी। सर, वो चिप पासवर्ड प्रोटेक्टेड थी, लेकिन मैंने उसका कोड क्रैक कर लिया। एक मिनट सर, ये देखिए। hmm.
माय गॉड, इसने तो बॉम्ब कैसे बनाना उसके डिटेल्स दिए हैं और फिर उसके घातक इफेक्ट्स भी, और कहां कहां पे ब्लास्ट हो सकता है उसकी भी डिटेल्स है। गवर्नमेंट्स कंप्यूटर, नेशनल सिक्योरिटी साइट, एयरप्लेन्स, प्लेन में अगर ब्लास्ट हो गया सर तो बिजली बंद तो प्लेन क्रैश। ये बॉम्ब उतना ही खतरनाक है जितने बाकी बॉम्ब भी, हो सकता है उससे ज्यादा भी। सर इसमें तो कई जगह दे रखी है, इनमें से वो किस जगह पे अटैक करने वाले हैं इसका पता चल जाता तो। सर उसका जवाब इसी चिप में, ये देखिए सर। ये बिजली बादल क्या है ये? सर ये बिजली और बादल, ये दोनों वर्ड्स इस चिप में भरे पड़े, जहां तक ऐसा लगता है कि जो बिजली का ब्लैकआउट हुआ था ये उसी का कोड है। नहीं 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 नहीं, नहीं। ये कोडवर्ड जरूर है मगर बिजली के ब्लैकआउट का कोडवर्ड नहीं है, ये कोडवर्ड ब्लास्ट कहां पे होने वाला है उसी का है ये। सर पहले तो नंबर्स के जरिए लोग संदेश पहुंचाते थे, अब कोई नया तरीका निकाला है इस आई गैंग ने संदेश आगे पहुंचाने का। हाँ लोकेश को बुलाते हैं। बिजली बादल, BIJLEE BADAL। ओके व्हाट इफ हम इन शब्दों को शब्दों की तरह नहीं बल्कि नंबर्स की तरह देखें? अब वो कैसे लोकेश जी? मैं समझाता हूं फ्रेडी जी। मान लो ए का नंबर है 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, वैसे ही ए टू जेड यानी कि 26 अल्फाबेट्स के 26 नंबर 1 to 26 में हो जाएंगे। अब अगर हम बिजली बादल शब्द को डीकोड करते हैं नंबर्स के जरिए तो नंबर आएंगे 2, 9, 10, 1EE 5, 5 बादल 2, 1D 4A 1L 2। तो ये डीकोडिंग है 2, 9, 1, 0, 1 2, 5, 5 2, 1, 4 1, 1, 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 14 डिजिट। मगर सर किताब का ISBN नंबर तो 13 डिजिट का होता है ना? हाँ तो फिर ये कौन सा नंबर हो सकता है 14 डिजिट वाला? अभिजीत मान लो ये ISBN नंबर नहीं है, कोई और नंबर है और ये 29, ये 29 29 है और 10 ये तो 10 है ही है, कहीं ये डेट नहीं हो सकती 29 अक्टूबर? सर 29 अक्टूबर तो 2 दिन पहले थे, अब बचे 10 नंबर। ISBN नंबर होता है 13 डिजिट का, तो फिर ये 10 नंबर ये क्या होंगे? हो सकता है कोई ISBN नंबर ही हो किसी का। पर 13 डिजिट का ISBN नंबर सिर्फ किताबों का होता है, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स और दूसरे एडिटोरियल्स का ISSN यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल्स नंबर। फिर अभिजीत हो सकता है ये 8 डिजिट जो है वो ISS नंबर है और बचे 2 मैगजीन या अखबार के पन्ने भी हो सकते हैं। पंकज एक काम करो, 29 अक्टूबर की जितनी भी मैगजीन और न्यूज़पेपर्स है सबकी लिस्ट निकालो और देखो ये ISS नंबर किसका है। सर ये तो कोई न्यूज़पेपर का ISS नंबर है, मुंबई मेल, कोई कॉन्फ्रेंस के बारे में। टर्की, ईरान, अफगानिस्तान से डिप्लोमेट आए हमारे देश में, 1 नवंबर को कॉन्फ्रेंस होने वाली है, ऑयल पाइपलाइन की डील फाइनल होगी। टर्किश डिप्लोमेट मिस्टर हसन की वजह से हो रही है ये ऑयल पाइपलाइन की डील। माय गॉड, मतलब सर यहाँ ब्लास्ट करने वाला ये आई गैंग, इनके निशाने पर टर्किश डिप्लोमेट है। माय गॉड अभिजीत, आज 1 नवंबर है, ये EMP ब्लास्ट तो कभी भी हो सकता है।
गाड़ी क्यों बंद कर दी? सर मैंने नहीं बंद किया, अपने आप बंद हो गई। अपने आप बंद हो गया सर? ईएमपी, लगता है इस जगह पे ईएमपी बॉम्ब का असर हो रहा है। वॉकी भी नहीं चल रहा है। एसी क्यों बंद है? सर सब गाड़ियां बंद हो गई हैं और वॉकी टॉकी काम नहीं कर रहा है। उतरो तुम लोग, कम ऑन फास्ट। सर गाड़ी अपने आप बंद हो गई और वॉकीज भी काम नहीं कर रहे। गार्ड्स कवर करो। सर पता नहीं अचानक से गाड़ी बंद पड़ गई और कोई भी इक्विपमेंट्स काम नहीं कर रहा है और मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं आ रहा है। समीर तुम कभी नहीं सूरज अपनी तभी तो सबका मर चुका है। असली समीर मर नहीं चुका है, उसे तुमने मारा है और अब असली समीर बनकर घूम रहे हो। असली वाले को मार, मैंने उन गांव वालों को धमकाया। अगर किसी को भी मेरे बारे में बताया दोनों अपनी जान से हाथ धोगे। हाँ, नहीं जानबूझकर तुम सीआईडी वालों को मैं उस फैक्ट्री की लोकेशन पे ले गया ताकि तुम सबकी चिता वहीं जले। सपने देखना बंद करो, सीआईडी की चिता जलाने वाले बहुत आए और बहुत गए, चिता तो अब तुम लोगों की जलेगी। अभिजीत अभिजीत, गाड़ी में अगर पेट्रोल खत्म हो जाए तो गाड़ी खत्म नहीं होती, उसमें फिर से पेट्रोल डलता है और गाड़ी फिर से चलती है। हमारी गैंग भी वैसी है, फिर से पेट्रोल डालें, लेकिन इस बार गाड़ी कहां रुकेगी इसका तुम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इस बार तुम्हारी गाड़ी हमारी जेल की सलाखों के पीछे रुकेगी। तुम्हारी गैंग का बॉस कौन है उसका तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.